हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, कैसे हम एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को याद करते हैं, वो मैंने बताया था। जैसे मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट ए में हम करेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसियम और फ्रांशियम। लीना ने की रब से फरियाद, ये मैंने आपको याद करवाया था बच्चों। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े बेटा, कमेंट्स में जो जो आपने बोला है उसको रिमूव करने का प्रयास किया गया है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको। और आपने बोला है कुछ हंसी मजाक भी होना चाहिए, तो हंसी मजाक पढ़ते पढ़ते आएगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट आपके साथ, अभी आप मेरा इंटरेक्शन रहेगा आप लोगों के साथ में। तो लीना ने की रब से फरियाद, ये भी मैंने आपको याद करवाया, आपने कॉपी में लिखा होगा, आप कॉपी और नोटबुक निकाल लीजिएगा। तो उसके बाद हम आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट उठाएंगे बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट और सेकंड ए दोनों ही हम लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ए का भी लेंगे और सेकंड ए का भी लेंगे। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो हम लोग इनर्ट गैसेस की यदि हम बात करें, तो इनर्ट गैसेस में यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये हमें पता होनी चाहिए। कैसे पता होने चाहिए? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, आगे के वीडियो में आपको बता देंगे यहां पर कि हीलियम का एटॉमिक नंबर अभी बता दे रहा हूं मैं आपको, दो होता है, यहां पर 10 होगा, यहां पर 18, 2, 10, 18 आपको एटॉमिक नंबर मिलेंगे। तो ये जो एटॉमिक नंबर है इनका हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? हाइड्रोजन का जैसे वन एटॉमिक नंबर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1s1। लिथियम, लीना ने की रब से फरियाद, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 तो हम क्या बोलेंगे, 1s2, 2s1। मैंने पिछले उसमें बताया था आपको लेक्चर में कि ns1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप का होता है बेटा। सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 हो जाएगा। यहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो 1s2 किसका होता है, तो जब हम ये हीलियम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है 1s2, तो हम यहां पर 1s2 की जगह हम हीलियम लिख सकते हैं। हमने यहां पर हीलियम लिख दिया, हीलियम हो गया हमारा और 2s1 हो गया। फिर हम इस पूरे की जगह पर हम लोग नियॉन लिख सकते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है, 6 + 2 8 + 2 10, तो हम 10 किसका होता है एटॉमिक नंबर, नियॉन का, तो हम उसको यहां पर नियॉन लिख सकते हैं, नियॉन 3s1। वैसे हम यहां पर पोटेशियम ले लेंगे, पोटेशियम का हीलियम का नियॉन, नियॉन का क्या था, आर्गन आता है आपका, तो आप यहां पर लिख दीजिए आर्गन 4s1। आर्गन के बाद आपको मिल जाएगा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन हो जाएगा आपका 5s1। सीजियम में क्रिप्टॉन का ज़ेनॉन है तो ज़ेनॉन 6s1। और फ्रांशियम में यहां पर रेडॉन आ जाएगा और रेडॉन हो जाएगा आपका 7s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लीजिए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के, 1s1, 1s2, 2s1 और हीलियम 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और नियॉन 3s1, आर्गन 4s1, क्रिप्टॉन 5s1, ज़ेनॉन 6s1, रेडॉन 7s1। ये इनर्ट गैसेस अपने को जो याद रहती है ये यहां पे काम में आता है, फर्स्ट में भी आएगा और अभी सेकंड में भी आएगा। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, ठीक है। अब अपन यहां पर सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड ए को मैंने पिछली क्लास में आपको याद करवाया था, बेटा बेटा या बेटी मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। तो यहां पर हम जब देखते हैं यहां पर सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, तो सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, मतलब बेटा या बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलिए कोई बात नहीं, आपने याद कर लिया, गुड। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो हम क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2। अब ये 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया मैंने, हीलियम का, तो हीलियम का 1s2 है तो आप इसकी जगह हीलियम लिख दीजिए और
हीलियम, यहां पर हो जाएगा आपका हीलियम 2s2, फिर मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर होगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं, यहां से यहां तक देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर्स कितने इक्वल के बराबर हो रहा है, 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, ठीक है। तो हम यहां से भी यहां तक लें तो ये आपका 10 के बराबर हो जाएगा, 10 मीन्स होगा नियॉन, तो हम इसको लिख सकते हैं नियॉन, ये हो गया हमारा नियॉन 3s2। हीलियम नियॉन के बाद हम इसको कह सकते हैं आर्गन, आर्गन 4s2, स्ट्रॉन्शियम को बोलेंगे क्रिप्टॉन 5s2, क्रिप्टॉन के बाद हमें मिल जाएगा ज़ेनॉन 6s2, ज़ेनॉन के बाद हमें मिल जाएगा रेडॉन 7s2। ये आप लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स का मिल गया बेटा, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। बेटा या बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये भी आपको याद हो गया होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए मिटा दूं, चलिए गुड। अब अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स कैसे और कहां कहां पर हमें मिलते हैं। चलिए अब अपन ढूंढते हैं इन एलिमेंट्स को कि एलिमेंट्स कहां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो फर्स्ट है ग्रुप के एलिमेंट्स, मैंने बताया था एल्कली मेटल्स होते हैं, तो एल्कली मेटल्स होते हैं तो क्या होता है, एल्कलाइन नेचर होता है, पीएच 7 से ज्यादा होगा, मैंने आपको बताया था। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, तो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें फर्स्ट में हमने पढ़ा यहां पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। फ्रांशियम को तो आपको हटाना ही पड़ेगा, नीचे वाले एलिमेंट्स को आप सबको हटा दीजिए, चाहे वो एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो, आप उसको हटा दीजिएगा। क्यों हटाएंगे, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव, जितने ही मिलेंगे तुम्हें, चाहे वो एस ब्लॉक में मिले चाहे पी ब्लॉक में मिले, जैसे ग्रुप में तुम्हें जब मिलते जाएंगे बच्चों तो ये नीचे वाले आप हटाते जाएगा। जैसे सेकंड है, अब यहां पे मैंने लिया लिथियम का, यहां पर बेरिलियम, सोडियम का मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, मतलब नीचे वाला एलिमेंट हमें फिर मिल गया। नीचे वाला कोई भी एलिमेंट तुम्हें मिले, चाहे वह एस में मिले ज्यादातर या पी में लास्ट में मिले, पी में आपको लास्ट में मिलेगा, तो पी में जो लास्ट में मिलेगा जब पी ब्लॉक में अपन देखेंगे तो वो रेडियोएक्टिव होते हैं। बीच वाले एलिमेंट्स रेडियोएक्टिव आपको नहीं मिलेंगे। फ्रांशियम रेडियोएक्टिव है, हाँ साहब है रेडियोएक्टिव। अब ये जो रेडियोएक्टिव है इसकी रेडियोएक्टिविटी ये कितने मिनट, तो आपको 21 मिनट स्टेबल रहता है, इट इज स्टेबल, ये लिख लीजिए 21 मिनट। इसकी जो हाफ लाइफ है टी हाफ, हाफ लाइफ हम किसके द्वारा बताते हैं, टी हाफ के द्वारा, टी हाफ ये रेडियो एक्टिव है और इसका जो टी हाफ है, टी हाफ मीन्स होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है कि जैसे हमने 1 ग्राम लिया और 1 ग्राम को यदि 1 ग्राम मीन्स 1000 मिलीग्राम इस कन्वर्ट इनटू 500 मिलीग्राम में जितना टाइम लगेगा उसका टाइम ड्यूरेशन, तो जो लगने वाले टाइम को अपन हाफ लाइफ बोलते हैं, उसका डिटेल रेडियोएक्टिविटी आप करेंगे आगे वाले वीडियोस वगैरह में। तो टी हाफ क्या होता है, यहां पर टी हाफ मीन्स हाफ लाइफ हुआ, हाफ लाइफ इसकी क्या है फ्रांशियम की 28 मिनट इसकी हाफ लाइफ है। और जबकि रेडियम की यदि तुम हाफ लाइफ देखते हो बेटा तो इसकी हाफ लाइफ आपको मिलती है 1620 ईयर्स, मतलब इसका यदि तुम 1 ग्राम लोगे, 1 ग्राम मीन्स 1000 मिलीग्राम लोगे तो वो 500 मिलीग्राम में चेंज होने में इतना साल लगाएगा, 1620 ईयर्स, इतने साल इसकी हाफ लाइफ है। तो इसकी हाफ लाइफ हमारी कितनी मिल गई, 21 मिनट, बहुत कम हुई इसकी हाफ लाइफ, ठीक है, और इसकी हाफ लाइफ हमारी ज्यादा है। तो फर्स्ट है ग्रुप एलिमेंट्स में नीचे वाले जो एलिमेंट्स हमें जनरली मिलते हैं वो रेडियोएक्टिव मिलते हैं, तो इसलिए हम इनकी चर्चाएं कम करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज में चर्चाएं किसकी की जाएंगी, लिथियम से लेकर हमें सीजियम तक की चर्चा होगी, यहां पे बेरिलियम से लेकर और बेरियम तक की हम चर्चा करेंगे। जब हम यहां पर बेरिलियम को देखते हैं तो बेरिलियम हमें रेयर मिलता है, कम मिलता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम हम मिलते हैं तो मैग्नीशियम और कैल्शियम हमें ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट की हम बात करते हैं, इस अर्थ के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमें मैग्नीशियम 6 नंबर, मतलब छठवें नंबर का एलिमेंट है पूरे अर्थ क्रस्ट के ऊपर,
सबसे ज्यादा जो एलिमेंट मिलने वाले प्रोटेबल जितने भी एलिमेंट हैं आपके, उसमें सबसे ज्यादा मिलने वाला आपका छठवें नंबर पर मैग्नीशियम आपको मिलेगा। कैल्शियम देखेंगे तो फिफ्थ नंबर का एलिमेंट है पूरे अर्थ क्रस्ट पर, और स्ट्रॉन्शियम और बेरियम हम देखते हैं तो ये मच लोवर मिलते हैं, मतलब मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, मच लोवर। और रेडियम को रेयरेस्ट बोला गया है कि ये रेयरेस्ट मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। ये बताया गया है कि रेडियम कहां मिलेगा, रेयरेस्ट कहां मिलेगा, ये मैग्मा रॉक्स में मिलता है, मतलब इग्नियस रॉक्स होती है, IGNEOUS इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस रॉक्स क्या होती है बेटा, ये जो इग्नियस रॉक्स होती है, मैग्मा मतलब जो गर्म जो रॉक्स होती हैं, मोल्टन जो रॉक्स होती हैं, जब उनको आप ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो उनको अपन इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और वहां पे हमें रेडियम मिलता है 10^-10%, इतना हमें रेडियम मिलता है, बहुत कम मात्रा में, रेयरेस्ट है। कितना रेयरेस्ट है, 10^-10% हमें ये मिलता है रेडियम। जब यहां पर बात की जाती है यहां पर मैग्नीशियम और कैल्शियम में, तो कैल्शियम फिफ्थ नंबर पे है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में, कि जो कैल्शियम होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये लाइम के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में हमें मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा मिलता है। और जिसको जो हम तोड़ते हैं तो वो हमें लाइम मिल जाता है, CO मिल जाता है हीट करने पर, और उसको हम, उसका यूज हम लोग 50-60% में सीमेंट में करते हैं। ये सब मैंने आपको बताया। अब यहां पर फिफ्थ है, तो अच्छा जब यहां पर फिफ्थ नंबर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम सिक्स नंबर पर, तो ये दिमाग में आता है कि फर्स्ट नंबर वाला एलिमेंट कौन सा होना चाहिए। तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है बेटा, उसको लिख लीजिए, वो ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन जो हम लगातार हम लोग लेते जा रहे हैं, ऑक्सीजन फर्स्ट पे मिलेगा हमें 46.6% बाई वेट। ये जितने मिलते हैं ये बाई वेट मिलते हैं, आप लिख लीजिए कॉपी में, ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर पर बाई वेट मिलेगा। सेकेंड नंबर का जो एलिमेंट है वो आपको सिलिकॉन मिलता है। सिलिकॉन जो रेत होती है, समुद्र के अंदर जितनी भी रेत होती है वो SiO2 होती है, उसको हम सिलिका बोलते हैं, मतलब सिलिकॉन हमें मिलता है, हम बोलते हैं एलिमेंट सिलिका का, वो ऑक्साइड है, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है SiO2, तो ये सिलिकॉन हमें मिलेगा। ये हमें 27.7% हमें वाई वेट मिलता है बेटा, लिख लिया आपने। उसका थर्ड नंबर पर यदि बात की जाती है तो थर्ड नंबर पर हमें एल्यूमिनियम मिलता है, थर्ड नंबर पर हमें एल्यूमिनियम मिलता है, एल्यूमिनियम हमें लगभग 8% मिलता है। और फोर्थ नंबर पर हमें जो मिलता है वो आयरन मिलता है, वो हमें 5% मिलता है, आयरन हमें 5% मिलता है। और जब हम फिफ्थ नंबर पर कैल्शियम की बात करते हैं, ये फिफ्थ नंबर कैल्शियम मैंने लिखा हुआ है, तो फिफ्थ नंबर पर कैल्शियम, ये फिफ्थ नंबर का कैल्शियम, ये आपको 4.7% या 4.2% लगभग आपको मिलता है। आपको याद करने का कंसेप्ट यह है कि 4.2% कैल्शियम लिख दो, और जो सिक्स वाला लिखना है आपको, तो वो आप यहां पे देखिए, सिक्स मैग्नीशियम है आपका, तो मैग्नीशियम इसका उल्टा कर दो, मतलब 4.2 की जगह 2.4, और ये परसेंटेज बाय वेट आपको मिलते हैं। ये हमें बुक्स में, हम आपको, हम लोग बुक्स में पाते हैं कि ये परसेंटेज हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन जो हम लगातार ले रहे हैं, सेकंड वाला हमारा सिलिका, सिलिको भी याद करेंगे कि रेत के किनारे समुद्र किनारे सिलिका मिलती है, मतलब सिलिकॉन मिल गया आपको। थर्ड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा मिलता है इसलिए पुराने लोग एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते थे। फोर्थ पे आयरन, आयरन का यूज हम लोग कर रहे हैं हर जगह, स्टील के रूप में आयरन का यूज हो रहा है, ये 5% है। सिक्स, फिफ्थ पे कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट में सीमेंट में यूज कर रहे हैं हम लोग 4.2%, और सिक्स में हमारा मैग्नीशियम 2.4, इसका ठीक उल्टा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सॉल्ट के रूप में समुद्र के अंदर मिलता है, MgCl2 वगैरह, ठीक है, कैल्शियम CaCl2 के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट रूप में हमें मिलता है। तो मैं समझता हूं ये आपने अर्थ क्रस्ट पर मिलने वाले एलिमेंट, जिसमें कि मैग्नीशियम हमारे पास आ रहा है सिक्स नंबर पर और कैल्शियम हमारे पास आ रहा है फिफ्थ नंबर पर। बेरिलियम रेयर है, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ये मच लोवर है, 0.0036% ये स्ट्रॉन्शियम रहता है, 0.0036% मिलता है आपको, बहुत कम मिलेगा, 0.036% लिख लीजिए, 0.036%। बेरियम लिख लीजिए, 0.034% मिलता है आपको, ठीक है, और बेरिलियम और ज्यादा कम मिलता है, ये मिलता है आपको 0.02%, ये मिलता है आपको बेरिलियम। तो ऐसा बुक्स में दिया गया है, एनसीईआरटी भी कह रही है रेयर है, मच लोवर मींस परसेंटेज, और यहां पर रेयरेस्ट हो गया 10^-10%। तो ये तो अर्थ क्रस्ट में ये एलिमेंट्स मिलते हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हमें इस टाइप से हमें मिल रहे हैं। यहां पर जो रेडियम है वो रेयरेस्ट है, इग्नियस रॉक्स में मिलेगा हमें जाकर। इनकी रेडियो एक्टिविटी का जो फ्रंशियम है उसका 21 मिनट, इसका टी हाफ है, और इसका 1620 हमारा टी हाफ है, ठीक है।
चलो बच्चों अब आगे हम बात करते हैं कुछ डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते हैं। हम ये देखते हैं जो लिथियम की जो है डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ मिलती है, लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप। एक पॉइंट डाल देते हैं बच्चों, इसको उतार लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लेते हैं यहां पर डायगोनल रिलेशनशिप। एक पॉइंट हमारे पास आ रहा है डायगोनल रिलेशनशिप का, तो डायगोनल रिलेशनशिप लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेकंड पॉइंट हमारे पास मिल रहा है डायगोनल रिलेशनशिप। सेकंड पॉइंट बच्चों जब डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें, डायगोनल मतलब डायगोनली, जैसे अपन सीधे चल रहे हैं, अब ये डायगोनल ऐसा ऐसा डायगोनली होगा। मतलब यदि आप बात करते हैं यहां पर लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम की बात आप करते हैं, कि फ्रेंशियम रेडियो हटा दिया मैंने, यहां पर आप बात करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की बात करते हैं आप, रेडियम मैंने हटा दिया, तो लिथियम का डायगोनली कौन सा एलिमेंट आपको मिल रहा है? तो लिथियम के जो डायगोनल है वो आपको यहां पर मैग्नीशियम मिल रहा है। देखिए लिथियम का डायगोनल आपको मैग्नीशियम मिल रहा है, और जब लिथियम के डायगोनल आपको मैग्नीशियम मिल रहा है बच्चों, तो हम देखते हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम आपको दिखाई देती है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में सेम आपको मिलेगी। लिथियम की जो प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम कुछ प्रॉपर्टी सेम होंगी, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये सवाल उठता है कि केवल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में, जो मैंने बताया लीना ने की रब से फरियाद, बेटा या बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जो मैंने आपको याद करवाए, तो क्या केवल इन्हीं दोनों एलिमेंट्स में यह डायगोनल रिलेशनशिप आपको मिलेगी? तो हम देखते हैं इन्हीं दो में नहीं मिलेगी, इसके अलावा और भी जो प्रो टेबल के जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें मिलती है। तो किस किस से मिलती है, तो उसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो में दो लाइनें प्रो टेबल की अभी मैं आपको याद करवा देता हूं पीरियड वाइज। ओके ठीक है, चलेगा दो लाइनें याद करवा दूं? चलिए ठीक है, दो लाइनें मैं आपको याद करवा दे रहा हूं। चलिए साहब दो लाइनें लिखिए आप इसको, दो लाइनें हैं हमारी पीरियडिक टेबल की, जो पीरियड वाइज में, ग्रुप वाइज तो आपने याद कर ली, ग्रुप वाइज भी हम लोग याद करेंगे, पीरियड वाइज भी याद करेंगे। ओके चलिए दो लाइनें, पहली लाइन आप लिखेंगे आज, हम बोलेंगे कॉपी में लिख लीजिए हा ही लीबी बकनोफनिया। पहली लाइन है बच्चों, हा मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, क मीन्स कार्बन, न मीन्स नाइट्रोजन, ओ मीन्स ऑक्सीजन, फ मीन्स फ्लोरीन, एनी मीन्स नियॉन। कई बच्चों ने कमेंट में बताया कि सर जो है वो इंग्लिश में है और हिंदी में हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे हल्का सा, इसको आप ऐसे फ्रेंच लैंग्वेज समझ लीजिए, फ्रेंच लैंग्वेज को मैंने हिंदी में बताया हुआ है आपको। क्या बच्चों क्या बताया मैंने, हा ही ली बी बक न ओ फनिया, हा ही ली बी बकनो फनिया, क्या बोलेंगे हम इसको, बोलिए हा ही ली बी बकनो फनिया, हा ही ली बी बकनो फनिया। पहली लाइन, इसमें एटॉमिक नंबर मिल रहे हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये आपके एटॉमिक नंबर आपको मिल रहे हैं। एटॉमिक नंबर से हम एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, एटॉमिक वेट से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, आगे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, आप समझ नहीं सकते कितने फायदा आपको मिलने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो हा ही ली बी बकनो फनिया पहला, सेकंड बच्चों हम लोग लेंगे यहां पर, सेकंड लाइन है हमारी नामग नामग अलसी पास्कल अरनी, ये हमारी सेकंड लाइन है अरनी, बोलिए नामग अलसी, नामग अलसी पास्कल अरनी। ना मीन्स मैंने बोला सोडियम, मग मीन्स बोला मैंने मैग्नीशियम, अल मीन्स एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एस आई सी, प फॉस्फोरस, सल्फर, कल क्लोरीन और ए आर होता है आर्गन। नामग अलसी पसकल अरणी, एटॉमिक नंबर देखिएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये आपको एटॉमिक नंबर्स मिल गए, मतलब 1 से लेकर 18 तक के एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट्स आपके हाथ में आ रहे हैं दो लाइनों से। कौन सी दो लाइनें हैं,
हा ही लीबी बकनो फनिया और नामग अलसी पस्कल अरनी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको पीरियोडिक टेबल में डालता हूं, इन दोनों लाइनों को, इन एलिमेंट्स को कैसे डालेंगे आपने उतार लिया होगा। अब अपन इसको पीरियोडिक टेबल में डालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप कैसे किन किन एलिमेंट्स में मिल जाएगी। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल मैंने थोड़ी सी बना दी, हाइड्रोजन यहां पर है, ये हमारा हाइड्रोजन मतलब हीलियम, तो क्या बन गया, हा ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हो गया हीलियम हा ही, और फिर यहां पर मैंने लिख दिया यहां पर हा ही ली बी, तो ये हमारा हो गया हा ही ली बी। फिर हमारे पास आ गया ब क नो नाइट्रोजन है ना, नो ऑक्सीजन, फ फ्लोरीन और निया, देखिए हा ही ली बी बकनो फनिया, ये हमारे पास पहली लाइन मैंने आपको दे दी बच्चों। ठीक है, इसमें पहली लाइन का आपको ये फर्स्ट पीरियड, ये आपका सेकंड पीरियड आपको मिल गया, यहां पर देखिए फर्स्ट पीरियड आपका ये हो गया, सेकंड पीरियड आपका ये हो गया, ऐसा आपको पीरियड मिल गया, देखिए आप ऐसा ये आपको मिलते जा रहा है। ठीक है, हा ही ली बी बकनो फनिया, एटॉमिक नंबर देखिए, एटॉमिक नंबर अपन डालते हैं यहां पर, तो एटॉमिक नंबर हमें इस टाइप से मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये एटॉमिक नंबर हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम सेकंड लाइन यहां पर ले रहे हैं, हा ही ली बी बकनो फनिया के बाद सेकंड लाइन हमारी सोडियम नामग, नामग अल एल्यूमिनियम सिल अलसी पस कल अरनी, ये हमारी सेकंड लाइन होगी बच्चों। क्या मतलब हुआ, नामग अलसी पस्कल अरनी, ये देखिए ये वाली लाइन मिटाई तो आपका ये एस ब्लॉक चला गया, ये आपका एस ब्लॉक आ गया, ये आपका पी ब्लॉक चलना शुरू हो गया, बीच में आपका डी ब्लॉक आना शुरू हो गया, ऐसी प्रोटेबल आपका बनना शुरू हो जाती है। अब आप एटॉमिक नंबर यदि लेते हैं बच्चों, तो एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, 10 के बाद 11 है यहां पर, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये एटॉमिक नंबर हमारे पास आ रहा है। अब मैंने डायगोनल रिलेशनशिप डाला हुआ है पॉइंट, तो डायगोनल रिलेशनशिप में सोडियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप कर रहा है। अब बेरिलियम का डायगोनली देखिए कौन सा लग रहा है एलिमेंट्स, आपका एल्यूमिनियम आ रहा है, बोरॉन का डायगोनल देखिए सिलिकॉन आ रहा है, तो ऐसे हम देखते हैं कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ में कौन कौन सा होता है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ में, ठीक है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में और बोरॉन सिलिकॉन के साथ में दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, इन सब के आपस में ये फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, क्यों, क्योंकि इनके कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी, पास में हो जाएंगी। अब उसका रीजन क्या है, ये डायगोनल रिलेशनशिप ये शो क्यों करते हैं, उसके रीजन के बारे में जाने के पहले फिर से समझ लीजिए कैसे हम लिखेंगे, हा ही ली बी बकनो फनिया, हा ही ली बी बकनो फनिया नामग अलसी पस्कल अरणी, ऐसे आपने एस ओ पी ब्लॉक की दो लाइनें आपने कर ली। यहां पे आपने वन एस है तो फर्स्ट पीरियड आपका हुआ, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ऐसे आपका फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड आपको यहां पे मिलता है, जो आपको शेल्स के नंबर एन एस वन करते हैं हम, जो ये जो एन है दीज आर दी नंबर ऑफ शेल्स, ऐसे आपको मिलते चले जाते हैं, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी लिखे, तो आपका जो पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, तो वो या तो आपको नंबर ऑफ सेल पता हो तो पीरियड पता चल जाता है, या आपको पीरियड पता हो तो नंबर ऑफ सेल पता चल जाते हैं, तो एक सिंपल सी फिनोमेनन है जो हमें मिल जाती है। हमें ये याद नहीं हो पाता कि कौन सा डायगोनली रिलेटेड दूसरा एलिमेंट होगा, तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि हमें सब पता हो तो हा ही ली बी बकनो फनिया नामक अलसी पस्कलरनी, तो आपको पता चल जाएगा लिथियम डायगोनली मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, ये इनके डायगोनल रिलेशनशिप हमें मिलेगी। ठीक है,
अब डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या है, यह डायगोनल रिलेशनशिप क्यों मिलती है, तो इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह बताया जाता है डायगोनल रिलेशनशिप का कि इनका लगभग अप्रोक्सीमेटली, पूरा तो नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली सेम एटॉमिक रेडियाई होता है। क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली सेम एटॉमिक, ATOMIC, सेम एटॉमिक रेडियाई होता है। यदि हम लिथियम और मैग्नीशियम का लगभग देखें तो उसका सेम एटॉमिक रेडियाई मिलेगा। सेम एटॉमिक रेडियाई का मतलब मैग्नीशियम देखें तो 76 पिकोमीटर, और यदि आप लिथियम देखें तो वो लगभग जो है उसका अभी जो है 72 करीब लगभग मिलता है, एटॉमिक रेडियाई से मिलते हैं। अभी अपन जब एटॉमिक रेडियाई का पॉइंट लेंगे तो अपन इन एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करेंगे अपन। मतलब इनका एटॉमिक रेडियाई में जो है अंतर नहीं मिलता, लगभग सेम मिलता है, अप्रोक्सीमेटली सेम मिलता है। और नंबर सेकंड पॉइंट है, हम बोलते हैं क्यू अपॉन आर भी लगभग सेम होता है, सेम क्यू अपॉन आर भी लगभग सेम होता है। अब क्यू अपॉन आर, क्यू मीन्स चार्ज, आर मीन्स रेडियाई, चार्ज अपॉन रेडियाई बोले तो वो लगभग सेम है, और या एटॉमिक रेडियाई बोले तो लगभग सेम है। इसलिए वो बोलते हैं कि यहां पर डायगोनली आपस में उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। लिथियम मोनोऑक्साइड बनाएगा, लिथियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो लिथियम मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड बनेगा। तो ये चीजें जो आगे अपन पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज जब इसकी एस ब्लॉक की आएंगी तो अपन उसमें देखेंगे। तो ये आपने प्रोटेबल कर ली होगी, ठीक है, उतार लिया होगा आपने। डायगोनल रिलेशनशिप किस किस की हमें मिल गई, तो डायगोनल रिलेशनशिप हमें मिल गई लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ हमें डायगोनल रिलेशनशिप हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से अब हम यहां पर देखते हैं बेटा कि डायगोनल रिलेशनशिप के बाद में जब हम इसका एटॉमिक रेडियाई की तरफ बन जाते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड वाला पॉइंट क्या है हमारा, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स में, बेटा एटॉमिक रेडियाई में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि जब हम एटॉमिक रेडियाई को जब हम देखा जाता है तो जो टेबल अभी मैंने आपको बना के दी, उस टेबल के अंदर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, उस टेबल में क्या होगा, ये तुम्हारा लेफ्ट है, ये तुम्हारा राइट है। जब आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाओगे तो हम बोलते हैं साहब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होने का कारण क्या, रीजन क्या दे रहा है, वो रीजन हमें मिल रहा है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो यहां पर इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, या बुक्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी दिया रहता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका बढ़ता है। तो आप देखते हैं एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्योंकि क्या हो रहा है यहां पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका बढ़ रहा है। क्योंकि एक ही शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जैसे हमने यहां पर लिया हाइड्रोजन लिया, यहां पर हीलियम था, यहां पर 1s1 है तो यहां 1s2 हो गया। यही s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, यही s ऑर्बिटल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन, जब इसमें दो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसमें एक प्लस चार्ज और बढ़ेगा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन थे तो एक प्लस चार्ज था, तो जैसे आपने प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ में प्लस चार्ज बढ़ा दिया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका बढ़ गया, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीजेस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीजेस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन द सेम ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको आप लिख ले जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन सेम ऑर्बिटल। ये यहां पर ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, s ऑर्बिटल था यहां पर, यहां पे भी s ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे गया, इसी के अंदर तो आया। ये 1s है, यह भी 1s है, 2s तो हुआ नहीं, 2p तो हुआ नहीं, तो 1s यहां पे था, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, 1s यहां पे था, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आया,
जो हाल ही में हुआ हाइड्रोजन हीलियम में वो लिथियम और बेरिलियम में वही काम होगा हमारा यहाँ पे भी, ठीक है। कैसे होगा लिथियम और बेरिलियम में वही काम, वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर। लिथियम और बेरिलियम में वही काम होगा। लिथियम का देखिए, लिथियम का कितना है एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। मैंने याद करवाया अभी आपको, हा ही ली बी ब क न फनिया, ये मैंने आपको याद करवा दिया। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं इसी का मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका बनाऊं तो लिथियम में क्या मिलेगा आपको, 1s2 2s1 मिल रहा है। यहां पे क्या हो गया, 1s2 2s2 हो गया। 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, उसी में इलेक्ट्रॉन भर गया। तो जब हम लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। हम बोरॉन में जाएंगे, यहां पर बोरॉन पी ब्लॉक में, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन द पी ऑर्बिटल। पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में जाएंगे, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। यहां का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p1 2p पे इलेक्ट्रॉन आ रहा। देखो कार्बन देखेंगे आप, 1s2 2s2 2p2 2p में देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन आ गया। उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन सेम ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स होते हैं पता है अपने को, उसी में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और जब उसी में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या रीजन क्या जा रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। जब ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, श्रिंक करेगा थोड़ा सा, एटम श्रिंक करेगा टूवर्ड्स द जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। नाइट्रोजन 7 है तो हम क्या बोलेंगे, 1s2 2s2 2p3। यहां पे ऐसे ही 2p4, यहां पे देखेंगे तो 2p4 हो जाएगा, यहां देखेंगे 2p5 हो जाएगा, यहां पे देखेंगे 2p6 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, यहां पर इसका मतलब ये सब हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में यहां पर जाता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में जाता है यहां पर 2p6 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यदि एक ही ऑर्बिटल में यहां पर जाता है इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन द सेम ऑर्बिटल, इसका मतलब ये हो गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। 2p देखिए 2p हो रहा है यहां पर, 2p न्यू शेल यहां पर फॉर्म नहीं हो रही है, यहां पर 2p में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखिए 2p 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन द सेम ऑर्बिट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। तो व्हेन वी मूव लिथियम टू नियॉन, जो हम लिथियम से नियॉन की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। एंड व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, अब हम ग्रुप में देखेंगे ये जो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, चाहे वो एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो, सब में ये स्टेटमेंट ये कंसेप्ट लगेगा। जब हम यहां पर करते हैं फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप में, ग्रुप में जाते हैं तो चाहे वो एस ब्लॉक में जाएं आप, चाहे आप पी ब्लॉक ग्रुप में जाएं, तो जैसे ही आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। यहां पर सेम ऑर्बिटल था, यहां पर देखिए सेम ऑर्बिटल, और वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। देखिए देखते हैं अपन कैसे होता है, यहां पर जैसे सपोज कीजिए आपने यहां पर लिया फर्स्ट ए ग्रुप लिया आपने, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम और सीजियम ले लिया, लीना ने की रब से फरियाद आपने याद कर लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 है यहां पर, 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब क्या हो गया, 1s2 2s2 हो गया यहां पर, 1s2 2s1 3 हो गया। तो यहां पर सोडियम आ जाएगा, यहां पर सोडियम में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और यहां पर 3s1 हो जाएगा। पोटेशियम क्या हो जाएगा आपका, मतलब 2s1 में इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन डिफरेंट, यहां पर 2s में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां एंटर कर रहे हैं, 3s में, थर्ड जो यहां पर शेल थी, ये नंबर ऑफ शेल है, थर्ड जो यहां पर शेल थी उसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहा है यहां पर, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहां पर इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन न्यू शेल, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। यहां पे आपने लिया 4s1 पे जाएगा, यहां पे आपका 5s1 पर है, यहां पे आपका 6s1 पर है, मतलब न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन द न्यू शेल या न्यू ऑर्बिट, तो न्यू ऑर्बिट में जा रहा है, इस वजह से डिस्टेंस बढ़ रही है। और न्यूक्लियस से यहां पर यदि डिस्टेंस तुम बढ़ाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर डिस्टेंस बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा।
क्योंकि एटॉमिक रेडियस होता क्या है, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट ऑर्बिट या आउटरमोस्ट सेल, ऐसा बोलते हैं ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस यहां बढ़ती जाएगी क्यों, क्योंकि यहां पर जो है न्यू सेल, यहां पर या हम क्या बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाएगी। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो घट रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो डिस्टेंस के कारण। तो पहला जो रीजन है आपका वो डिस्टेंस आती है इसलिए ठीक है। तो ये आपका मैंने आज आपको तीन चीजें इस वीडियो में आपको बताई। पहली चीज मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताया, दूसरा मैंने डायगोनल रिलेशनशिप बताई, तीसरा मैंने आपको एटॉमिक रेडियस कैसे घट रहा है कैसे कम हो रहा है वो बताया, और मैंने आपको दो पॉइंट आपको बताए कैसे अपन लोग याद करेंगे ठीक है बच्चों। तो अगले वाले वीडियो में मैं आपके पास लेके आऊंगा कि यहां पर एटॉमिक रेडियस किसका क्या होता है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस क्या होते हैं, उनके बीच का अंतर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।